22 फरवरी को नगर पालिका निगम भिलाई में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही महती योजना के तहत प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धन कन्याओं का विवाह निःशुल्क कराया जाता है और शासन प्रशासन की तरफ से स्त्री धन सहित अन्य उपहार भी दिए जाते हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2024 का आयोजन 22 फरवरी को संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह के आयोजन जो भिलाई निगम क्षेत्र में संपन्न हुआ, इसमें 79 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंधने वाले युवक एवं युवतियों के परिवार वालों के अलावा सभी वार्ड के पार्षद गण ने भी वैवाहिक कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए वर या वधु की तरफ से शामिल हुए। इस सामूहिक विवाह के आयोजन में नगर पालिक निगम भिलाई की भूमिका भी अहम रही। नगर पालिक निगम भिलाई के महिला एवं बाल विकास अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने सामूहिक विवाह के आयोजन की विस्तृत जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। 79 जोड़ों ने इसका शादी हुआ है। धूमधाम के साथ, पूरा रीति रिवाज के साथ, जो पारंपरिक रीति रिवाज है, सभी तरह के वहाँ शादी संपन्न कराया गया। 79 जोड़ों का शादी था। और एक बात की बड़ी खुशी की बात है, शासन की जो योजना चल रही है उससे उन लोगों को लाभ मिल रहा है जो लोग गरीब हैं, किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही है, और उसके बाद जब उनको एक अवसर मिलता है, एक सामूहिक रूप से करते हैं, उस दिन वो शादी हुआ। और साथ में एक चीज़ और बड़ी अच्छे ढंग से, जो भी पारंपरिक रीति रिवाज है उसके तरह से शादियां संपन्न हो रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। उन्हें सबसे पहले तो 21,000 रुपया उनको जो है नगद जो है चेक के माध्यम से प्रदान किया जाता है, वधु को मिलता है। उसके बाद शादी के जो जोड़े होते हैं उनके लिए कपड़ा और भी बहुत सारे सामग्री है, जैसे मंगलसूत्र है और सब चीज़ें हैं, शासन की योजना के अनुसार मिलता है। मतलब एक जोड़े में 50,000 रुपये तक का शासन उनको प्रोवाइड करती है, उसके हिसाब से शादी होता है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखिए दोनों पक्ष के लोग आते हैं और उनके खाने के, उनके पूजा पाठ की सब चीज़ की व्यवस्था शासन स्तर से किया जाता है। देखिए घराती और कुछ पार्षदगण हमारे MIC सदस्य लोग आए थे, वो घराती की तरफ से शामिल हो गए। जिन पार्षदों के घरों में लड़कियों की शादी थी, लड़कियों की शादी उस वार्ड के थी, वो पार्षद लोग घराती का रोल अदा कर दिए, और जहाँ पर लड़का पक्ष का लोग था वो बाराती का रोल अदा कर दिए। हम लोग चूंकि शासन से जुड़े हुए हैं, हम लोग दोनों का पक्ष अदा कर दिए, हम दोनों के साथ गले लगे, बड़े अच्छे ढंग से हुआ। इस योजना के तहत दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले वर और वधु एवं उनके परिवारजनों ने छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभार जताया है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।